हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूँ यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस के रिगार्डिंग कि अगर आप चेक रिपब्लिक में आते हो आकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करते हो या फिर जॉब करने के लिए आते हो एंड अचानक से आपके अंदर कोई एंटरप्रेन्योर का कीड़ा आपके अंदर उठने लगता है, आपको मन करता है कि यूरोप में बिजनेस करूँ मैं, एंड यूरोप में आप चेक में रहते हो एंड आपका मन करता है कि बिजनेस स्टार्ट करूं, तो कैसे कर सकते हो, क्या तरीका है? एंड तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इन डेप्थ और बहुत क्लैरिटी के साथ पूरी जानकारी दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चेक रिपब्लिक में जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक परमिट की जरूरत होती है जिसका नाम है ट्रेड लाइसेंस, एंड चेक में इसका नाम है जिवनो। तो ये ट्रेड लाइसेंस एक तरीके का परमिट होता है जिसके बेस पे जो है वो आप इंडिविजुअल बेसिस पे फ्रीलांस तरीके से भी काम कर सकते हो या फिर आप प्रोफेशनल तरीके से भी आप काम कर सकते हो अपनी कंपनी बिल्ड करके। तो चलिए एक एक स्टेप करके जो है वो समझना शुरू करते हैं कि आपके आपको अगर ट्रेड लाइसेंस बनाना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड इसके अलावा जो है वो ट्रेड लाइसेंस के लिए अगर आपकी नेशनैलिटी अगर आपकी जो है वो नॉन यूरोपियन है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो शुरू करते हैं बताना। तो पहला पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ चेक ट्रेड लाइसेंस, कि कितने टाइप के ट्रेड लाइसेंस होते हैं। तो इसमें दो टाइप के ट्रेड लाइसेंस होते हैं चेक रिपब्लिक में। जो पहला होता है वो होता है जनरल ट्रेड लाइसेंस एंड दूसरा होता है प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस। जैसा कि मैंने बताया कि जो जनरल ट्रेड लाइसेंस है वो फ्रीलांस तरीके से अगर आप काम करना चाहते हो तो उनके लिए होता है, एंड इसमें 80 कॉमन बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो पहले से ही डिफाइंड होती हैं। आप उनमें से अगर उन बिजनेस लिस्टिंग में से कोई आपका आपका मन है कि आप उन 80 में से ही किसी पे काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप इस जनरल ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है वो अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि जैसे फ्रीलांस के तौर पे आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हो, आईटी में कहीं काम करना चाहते हो, किसी के लिए कोई किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो, या फिर अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे चेक में या फिर यूरोप में जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है वहाँ पे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स एज अ टीचर बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे स्कूल्स में जो है वो आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो जो है वो कोई वीज़ा लेकर के स्पेसिफिक नहीं आते हैं, वो जनरल ट्रेड लाइसेंस लेकर के ही आते हैं। तो अगर आप जो है ये टीचिंग के लिए अगर आप आना चाहते हो, इसके अलावा फोटोग्राफी सर्विसेज हो गई, इवेंट मैनेजमेंट हो गया और जनरल कंसल्टिंग हो गया। जनरल कंसल्टिंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप जो है एज अ कॉरपोरेट कंसल्टेंट या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या फिर अगर आप एक लॉयर हो, तो इन सब कैटेगरी ये सारी कैटेगरीज हैं, इसी तरह की 80 कैटेगरीज हैं, इनमें से कहीं पर भी अगर आप फिट होते हो एज अ फ्रीलांस तो यू कैन अप्लाई फॉर जनरल ट्रेड लाइसेंस। देन नाउ मूव टू द अनदर पार्ट, अनदर टाइप ऑफ ट्रेड लाइसेंस। द नेम ऑफ दैट ट्रेड लाइसेंस इज प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट दिस टाइप ऑफ ट्रेड लाइसेंस। द फर्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग रेलिवेंट कॉम्पिटेंस थ्रू द स्पेशल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि जो जनरल टाइप का जो जो ट्रेड लाइसेंस है उसमें किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैचलर्स हो या फिर अगर आप सेकेंडरी पास आउट हो या फिर मतलब PhD हो, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल बारे में क्या है कि एक सर्टेन जो है वो एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एंड उसके बेस पे ही जो आपका जैसे कि मान लो कि आप इंडिया में जो है आपने MBBS कर रखा है, ठीक है, एंड आपने यूरोप से अगर आपको यूरोप में आकर के प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए एक काइंड ऑफ एग्ज़ाम होगा जो कि आपको पास करना होगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है वो प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस अप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसमें आपकी एजुकेशन देखी जाएगी कि एजुकेशन आपकी MBBS है कि नहीं है। तो इसमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल टाइप का जो है वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड वो बहुत ही इन डेप्थ उसकी एनालिसिस करती है, और इसका जो रेगुलेशन होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। गवर्नमेंट इसको पूरा रेगुलेट करती है, पूरा कंट्रोल करती है, एंड
फर्स्ट वाला है वो आप नॉर्मली जो है एजेंसीज हैं वहां पे जा करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो उसके लिए। देन द लास्ट पॉइंट फॉर दिस प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस ये है कि जैसे आप मान लो कि थोड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए भी इसी प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप कैब सर्विसेज से स्टार्ट करना चाहते हो, आप जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, या फिर प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हो, तो इन सारे कामों के लिए प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन करना चाहिए। देन उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है इन ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला है कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज, एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एंड उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको जो है वो सबमिट करना होगा, जिसमें कि पहला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप चेक में रहते हो तो यहाँ से भी आपको सबमिट करने का, इसके अलावा आपकी जो ओरिजिन जो आपकी कंट्री है वहाँ से भी आपको लाना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है देख चलिए मानते हैं कि आप जो है वो एक ईयू सिटीजन हो, ना कि चेक सिटीजन। ईयू सिटीजन हो तो आपके लिए क्या होगा, आपका पासपोर्ट होगा और जो आपका यूरोपियन आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको क्या होगा, पीसीसी कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं, अगर आप मान लो कि यूके सिटीजन हो, तो यूके सिटीजन के लिए अभी क्या रूल चेंज हो गया है, उसके लिए क्या है कि अगर आपको जो है वो वैलिड पासपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, आईडी कार्ड यानी यूके का जो रेजिडेंस परमिट आपके पास वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसके अलावा पीसीसी होगा, और इसके अलावा जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी ब्रेग्जिट के बाद जो है वो यूके में और भी चेंज हुई है, तो और भी थोड़ा सा क्लैरिटी अभी कम है जहाँ तक मैंने देखा। तो अगर आप यूके के हो तो आपको यूके की जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने इन डेप्थ यूके के लिए स्पेशली मैंने जो है वो मुझे मिला नहीं बहुत अच्छी क्लैरिटी। देन उसके बाद बात करते हैं कि नॉन यूरोपियन, जैसे एशियन, जैसे आप इंडियन हो एंड आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, तो आपके लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी होगा। पहला होगा आपको पासपोर्ट, दूसरा होगा रेजिडेंस परमिट जो कि आपको जो आपके पास होगा अगर आप चेक में रह रहे हो तो, देन तीसरा होगा आपको जैसे मैंने बताया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने वहाँ से ओरिजिन से और यहाँ से, एंड इसके अलावा जो है वो अगर आप यूएस सिटीजन हो तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जगह पे आप सिर्फ एक एफिडेविट दे सकते हो। देन उसके बाद फिर बात करते हैं कि और अलग अलग और भी क्या डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन है, फोटोग्राफ आपको अपनी लेकर के जानी है, प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंसी जो आप रह रहे हो वो आपको लेके जाना है, इसके अलावा पीसीसी आपको बता ही दिया। देन उसके बाद आपको डीड लेके जानी पड़ेगी कि आपने अपना कहीं पर ऑफिस खोला होगा, ये प्रोफेशनल वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है कि आपको जो है वो रेंट एग्रीमेंट लेकर के जाना होगा एक तरीके से, जहाँ पर भी आपने ऑफिस खोला है एंड आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ के गवर्नमेंट का जो है स्टैम्प 1000 चक्राउंड का खरीदना होगा, तो ये सारी चीज़ें ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ट्रेड लाइसेंस के सबमिशन के टाइम पे। देन अब हम बात करेंगे कि ट्रेड लाइसेंस के जो ऑफिस हैं वो कहाँ कहाँ पे आप जा करके, प्राग में, मैं प्राग की बात करूँगा, प्राग में कहाँ कहाँ जा करके आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। इसकी फ़ोटो मैं अपने वीडियो में यहाँ डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि ऑफिस के नाम क्या है एंड उसके एड्रेस कहाँ है, आप वहाँ जा करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, एंड इसके अलावा जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि किस टाइप के ट्रेड लाइसेंस में जो है वो मैं फिट हो रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए। देन उसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस के एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे और कितना खर्चा आता है, कितना पैसा आपको जो है खर्च करना पड़ सकता है। तो इसकी कुल टोटल जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ है 1550 चेक राउंड, यानी 1550 चेक राउंड ओनली। एंड इसके अलावा अगर आप चेक रिपब्लिक में रहते हो यहीं पे एंड आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे क्या करना है और वॉट एवर, तो आप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उस फॉर्म को भर सकते हैं एंड हम आपकी
भरपूर हेल्प कर सकते हैं आपका ट्रेड लाइसेंस के एप्लीकेशन में एंड फॉर श्योर उसको ग्रांट कराने में भी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1,550 चक्राउंड जो है वो आपका कुल टोटल खर्चा आता है, एंड इसमें खर्चा जो है 1,000 जो चेकराउंड है वो आपका जब आप सबमिट करोगे फाइल को तब उस टाइम पे स्टैम्प का खर्चा आएगा। देन उसके बाद अब मान के चलते हैं कि आप जो है फोटोग्राफी भी करना चाहते हो एंड साथ में इवेंट मैनेजमेंट भी करना चाहते हो एंड साथ में कुछ और भी अपना फ्रीलांस करना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा, साथ में मान के चलो कि आप डांस की क्लासेस देना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हर एक मतलब एक एक जो है वो बिजनेस के लिए ये फीस है 1,000 चक्राउंड। अगर आप दो करना चाहते हो तो अब अगला 1,000 आपको पे नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ 500 पे करना है। तो तो अगला जितना भी आपका आपका बढ़ता चला जाएगा, जितने भी कैटेगरी आप बढ़ाते चले जाओगे बिजनेस की, आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मान के चलो कि फोटोग्राफी अगर आप सिर्फ एज अ फ्रीलांस करना चाहते हो तो आपका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1,050 रुपये होगा, यानी 1,000 चक्राउंड और 50 रुपये अलग से एक फीस आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप मान के चलो कि फोटोग्राफी भी करना चाहते हो, इवेंट मैनेजमेंट भी करना चाहते हो एंड डांसिंग भी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, 1,000 हो गया फोटोग्राफी के लिए। इसके अलावा 500 रुपये आप ले लो इवेंट मैनेजमेंट, 500 रुपये ले लो आप डांसिंग के लिए, तो आपका हो गया 2,000। तो आप समझ गए होंगे कि जितना आप मल्टीपल करना चाहोगे उतना आपका 500 आपका लगता चला जाएगा। दैट्स इट, बस यही खर्चा है। इसके अलावा जो है आपके सबमिशन के बाद जो है वो आपको बुलाया जाता है ट्रेड जो लेबर ऑफिस है, एंड वहाँ पे आप जाते हो, आपसे बातचीत की जाती है, आपका इंटरव्यू होता है, एंड इसके बाद जो है अगर सब कुछ सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पर्पस भी बहुत ही क्लियर कट होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आपको जो है वो ट्रेड लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल आपको मिल जाता है। एक चीज़ और है कि जो आपका फर्स्ट वाला जनरल कैटेगरी का जो ट्रेड लाइसेंस है उसमें आपको ऑफिस के तौर पे आपको जो है आप वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको कोई जो है फिजिकल ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत पड़ती है सेकेंड वाला प्रोफेशनल ट्रेड लाइसेंस जब आप लेते हो। तो आई होप कि एक बहुत ही मोटा मोटा और क्लियर कट आइडिया आपको ट्रेड लाइसेंस के रिगार्डिंग मिल गया होगा। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आई कोई बात, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप खुद का ट्रेड लाइसेंस बनाना चाहते हैं एंड हमारी हेल्प चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है जस्ट फिल दैट एंड आर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।